हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निम्मी बहुत ही सीधी और सुलझी हुई लड़की थी, जिसके माँ बाप का देहांत बचपन में ही हो गया था। तब से मानो उसका भाई ही उसकी दुनिया था। वो अपने भाई की हर बात मानती और उसकी खूब सेवा भी करती। एक दिन निमी अपने भाई से बोलती है, भाई अब तो मेरा कॉलेज भी क्लियर हो गया है, अब तो तुमको मेरी फिक्र छोड़कर शादी कर लेनी चाहिए। अरे पागल, तू कैसी बात करती है, अब इस उम्र में मुझसे शादी कौन करेगा, अब तो तेरी शादी की उम्र है। नहीं भैया, मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक आपकी शादी ना हो जाए। समय बीतता जाता है और फाइनली अशोक निम्मी की जिद के आगे घुटने टेक देता है और भारती नाम की एक लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है। भारती स्वभाव की बहुत ही चिड़चिड़ी थी, जो सारा दिन बस आराम किया करती, और बेचारी निम्मी घर के सारे काम अकेले संभालती। जैसे ही अशोक शाम को वापस आने वाला होता, भारती काम करने का नाटक करने लगती। एक दिन अशोक के काम पर जाने के बाद भारती निम्मी से बोलती है, हाय मेरे पैरों में कितना दर्द हो रहा है, काश कोई दबा देता। भाभी मैं दबा देती हूँ ना। भारती निम्मी से पैर दबाने लगती है और शाम को जब अशोक घर आता है तो अशोक को देखकर भारती मन में सोचती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये निम्मी जाकर अपने भाई को बता दे कि मैंने आज इससे पैर दबवाए थे, अगर ऐसा हुआ तो अशोक जी तो मुझ पर राशन पानी लेके चढ़ जाएंगे। अपनी इस गलती के चलते भारती खुद ही अशोक के पास जाकर बोलती है, सुनिए जी, इससे पहले आपकी बहन आकर मेरी चुगली करे, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आज मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और मैंने आपकी बहन से पैर दबवा लिए। अरे तो क्या हो गया, हम सब तो एक परिवार हैं, अगर तुम्हारे पैर दर्द करें तो तुम उससे दबवा सकती हो। अशोक की इस बात को सुनकर भारती के पर निकल आते हैं और अब वो आए दिन निम्मी से अपनी सेवा करवाया करती। निम्मी कभी भी अपनी भाभी के खिलाफ एक शब्द तक नहीं निकालती। ऐसे ही समय बीतता जाता है, निम्मी की उम्र शादी की हो जाती है। वहीं भारती सोचती है, हाय अगर निम्मी की शादी हो गई तो ये घर कौन संभालेगा, सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ जाएंगी, नहीं नहीं मैं उसकी शादी कभी नहीं होने दूंगी। अपनी काम चोरी के चलते भारती निम्मी के लिए आने वाले सभी रिश्तों में कमी निकाल कर अशोक और निम्मी से इनकार करवा देती। ऐसे ही एक दिन निम्मी को देखने गौतम नाम के लड़के का रिश्ता आता है कि तभी मौका पाकर भारती उसके पास जाती है और गौतम से बोलती है, भगवान झूठ ना बुलाए गौतम जी, वैसे तो हमारी निम्मी लाखों में एक है, मगर उसकी कुछ बुरी आदतें भी है, जैसे ड्रिंक करना, और सुट्टा तो मानो उसकी रग रग में बसा है, उम्मीद है आपसे शादी करके वो ये सब छोड़ देगी। गौतम भारती की ये बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन वो मन में सोचता है, आखिर मुझे इससे अच्छा परिवार कहाँ मिलेगा, ये लोग चाहते तो ये सब छुपा सकते थे, लेकिन इन्होंने सब कुछ सच बताया। तभी निम्मी वहाँ पर चाय लेकर आती है और गौतम को वो पहली ही नजर में भा जाती है, जिसके बाद बिना देरी के गौतम के परिवार वाले रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। उनके जाने के बाद भारती निम्मी से बोलती है, अच्छा बच्चा ये बता कि तुझे गौतम कैसा लगा। भाभी वो बहुत अच्छे हैं, केयरिंग है और मुझे पसंद भी बहुत है। हाँ वो तो ठीक है, पर तुझे पता है वो गुटखा खाता है, तूने देखा था उसके होंठ कितने लाल थे, मैं नहीं चाहती मेरी फूल सी ननन को ऐसा घटिया पति मिले। भाभी आप कितनी अच्छी है, मेरी कितनी चिंता करती है, आप फिक्र मत करो मैं उनकी सारी बुरी आदतें छुड़वा दूंगी। भारती ये समझ जाती है कि अब निम्मी और गौतम का रिश्ता तोड़वाना थोड़ा मुश्किल है, जिसके बाद अक्सर निम्मी और गौतम कॉल पर बात किया करते। निम्मी को ये पता चल जाता है कि गौतम के होंठ प्राकृतिक रूप से लाल हैं और वो गुटखा नहीं खाता, और गौतम ये जान जाता है कि निम्मी में कोई बुरी आदत नहीं है। ऐसे ही एक दिन वो अपने घर पर बैठा हुआ सोचता है, इसका मतलब ये हुआ कि भारती भाभी ये चाहती नहीं कि हमारी शादी हो, इससे पहले वो इस शादी में और दिक्कत डाले मुझे निम्मी को जाकर ये सब बताना होगा। गौतम निम्मी के घर आता है, जहां भारती दरवाजा खोलती है
और गौतम को सामने देखकर वो हैरान होकर बोलती है, अरे गौतम जी आप यहाँ? अरे शादी अगले महीने है, इतना भी सबर नहीं हुआ? जी मैं निम्मी से मिलने आया हूँ, कुछ जरूरी बात करनी है। चल भारती, तेरा फेंका हुआ दाव तब नहीं चला तो अब चल जाएगा, लगता है रिश्ता तोड़ने आया है। आइए आइए अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। भारती ये कहकर नाश्ता लेने चली जाती है, जिसके बाद गौतम निम्मी के पास जाकर उसे बोलता है, निम्मी आज मैं यहाँ तुमसे कुछ कहने आया हूँ। ओहो आई लव यू जान, ये तो तुम मुझे कॉल पर भी बोल सकते थे। निम्मी मजाक मत करो और मेरी बात सुनो, ये सुनकर तुमको बुरा लगेगा पर ये सब सच है। निम्मी तुम्हारी भाभी तुमको जरा भी प्यार नहीं करती और तुमको नौकर बनाकर सारी जिंदगी अपने साथ रखना चाहती है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम शराब पीती हो। गौतम की बात सुनकर निम्मी को बहुत गुस्सा आता है और वो गौतम के गाल पर तमाचा मारते हुए बोलती है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मेरी भाभी मेरी माँ समान है और भाई बाप। मैंने भाई से शादी को इसलिए बोला क्योंकि मुझे एक माँ चाहिए थी, और अगर वो मुझसे थोड़े बहुत काम करवा भी लेती हैं तो क्या बुरा है, ये उनका हक है। आज के बाद दोबारा मेरी भाभी के लिए कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, दफा हो जाओ यहाँ से, और मुझे नहीं करनी तुमसे कोई शादी वादी। ये सब बातें भारती सुन लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद नाश्ते की प्लेट उसके हाथ से गिर जाती है और वो बोलती है, कितनी अभागी औरत हूँ मैं, मुझे दुनिया की सबसे अच्छी ननद मिली और मैंने उसके साथ इतना गलत किया। हाँ निम्मी, गौतम जो कह रहा है वो सच है, मुझे माफ कर दो। भाभी अगर आप चाहती हो कि मैं शादी ना करूं तो मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं शादी कभी नहीं करूंगी। इतना कहकर निम्मी रोते हुए बाहर चली जाती है और गौतम भी अपने घर आता है, लेकिन भारती को अपनी गलती का पछतावा होने लगता है और इसी चिंता के चलते उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। इसी के साथ वो बिस्तर पकड़ लेती है। उसे ऐसे देखकर अशोक बोलता है, क्या हो गया है तुमको? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। तभी निम्मी वहाँ आती है और उसे देखकर भारती बोलती है, निम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, आज मुझे उसी की सजा मिल रही है। भाभी मैंने आपको माफ कर दिया है, अब आप सारी पुरानी बातें भूल जाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ बस। वक्त गुजरता है और भारती अब धीरे धीरे ठीक हो जाती है, जिसके बाद वो खुद निम्मी को लेकर गौतम के घर जाती है और गौतम से बोलती है, गौतम जी आप भी मुझे माफ कर दीजिए, आप जैसा लड़का मेरी निम्मी को और कहीं नहीं मिलेगा, भगवान झूठ ना बुलाए लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। भाभी मुझे निम्मी बहुत पसंद है और मैं इसी से शादी करूंगा। जिसके बाद अच्छा सा मुहूर्त देखकर भारती निम्मी और गौतम की शादी करवा देती है और भारती निम्मी को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है। इसी के साथ साथ भारती एक भाभी के साथ साथ माँ के भी सारे फर्ज निभाती है। कल्पना एक भोली भाली सी लड़की थी जिसने शादी के बाद अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाला था, लेकिन वहीं उसकी चालबाज ननद दिशा अपनी भाभी की आंखों में धूल झोंकना और उसे धोखा देने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही एक दिन जब कल्पना रसोई में खाना बना रही थी तभी दिशा वहां आकर बोलती है, ओ मेरी भोली भाभी जरा मेरे लिए कॉफी बना दो और हाँ अपनी अलमारी की चाबी देना। ठीक है दीदी मैं अभी बना देती हूँ, आइए लीजिए चाबी। वैसे आपको क्या चाहिए था, मैं ला कर दे देती हूँ। नहीं मुझे बस आपकी एक साड़ी चाहिए, वो मैं खुद ले लूँगी। अच्छा कॉफी बन जाए तो मेरे कमरे में दे देना। इतना बोलकर दिशा कल्पना के कमरे में जाती है और उसके अलमारी से साड़ी के साथ साथ कुछ पैसे भी निकाल लेती है, जिसके कुछ देर बाद जब कल्पना अपनी ननद के कमरे में कॉफी देने आती है तो दिशा उसको चाबी देते हुए बोलती है, भाभी ये लो चाबी, वो मुझे टाइम नहीं लगा तो इसलिए मैंने आपकी अलमारी नहीं खोली। दिशा की ये बात सुनकर कल्पना वहाँ से चली जाती है। शाम होने पर कल्पना की सास राधा खरीदारी करके घर वापस आती है, जिसके बाद वो अपनी बहू और बेटी को आवाज लगाते हुए बोलती है, दिशा कल्पना बाहर आओ। कुछ देर में दिशा बाहर आती है और अपनी माँ के पास इतना सारा सामान देखकर बोलती है, माँ मेरे लिए क्या लाई? देख ले सबके गिफ्ट्स पे उनका नाम लिखा है, कल्पना कहाँ है? उसके लिए तो मैं बहुत प्यारी चीज लेकर आई हूँ।
अभी आती ही होगी, काम कर रही थी। इतना बोलकर दिशा सारे गिफ्ट्स देखने लगती है और अपनी भाभी के गिफ्ट से उसके नाम की पर्ची हटाकर अपने नाम की पर्ची चिपका देती है और अपने वाले पर भाभी के नाम की पर्ची लगा देती है, जिसके कुछ देर बाद में कल्पना चाय लेकर आती है और अपनी सास के पैर छूने के बाद बोलती है, माँ जी मुझे पता था कि आप थक गई होंगी, इसीलिए मैं आपके लिए सीधा चाय बना कर ले आई। हाँ मेरी प्यारी बहू, इसीलिए तो तू मुझे दिशा से भी ज्यादा प्यारी है। हाँ मैं तो दुश्मन हूँ, पता नहीं माँ जब से भाभी आई है आपको मुझसे 100 शिकायतें क्यों रहती हैं? क्योंकि मेरी ये बहू बहुत ही ज्यादा भोली भाली है। और अब बकवास बंद कर और कल्पना के नाम का तोहफा उसे दे और अपने नाम का खुद रख ले। दिशा कल्पना को अपना तोहफा देती है और खुद उसका वाला अपने पास रख लेती है। दोनों ही जब अपने अपने गिफ्ट को खोलती है तो कल्पना के में एक सिंपल सी ड्रेस होती है और दिशा में एक बेहद खूबसूरत साड़ी। ये देखकर दिशा खुश होकर बोलती है, वाओ माँ मैं कब से अपने कॉलेज फेस्टिवल के लिए एक साड़ी चाहती थी, सच्ची में ये बहुत खूबसूरत है। क्या तेरे लिए तो मैं एक ड्रेस लेकर आई थी, ये साड़ी बहू की है, शायद गलती से नाम बदल गए, तू ये साड़ी भाभी को दे दे। नाम बदल गए तो क्या, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये गिफ्ट मेरा है तो मैं ही रखूंगी। अरे दीदी कोई बात नहीं, आप इसे भी रख लो, वैसे भी मैं ऐसे ड्रेसेस नहीं पहनती। इतना बोलकर दिशा अपनी दोनों ड्रेस लेकर कमरे में चली जाती है। ऐसे ही अगले दिन वो वही साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार होकर कहीं बाहर जा रही थी तो उसको ऐसे देखकर राधा बोलती है, दिशा कहाँ जा रही है? माँ मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ। अरे रुक जा, अपनी भाभी को भी साथ लेती जा, दोनों मार्केट में घूम लेना और सब्जियाँ भी ले आना, इसी बहाने बेचारी घूम लेगी, सारा दिन घर पे बोर हो जाती है। पर मैं क्यों अपने साथ लेकर जाऊँ, मेरी दोस्त उनको थोड़ी बुला रही है। अरे तो क्या हुआ, दोस्त के घर ही तो जा रही है ना, उसे भी ले जा, वो चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, रुक मैं अभी बुलाती हूँ उसे। बहू, अरे ओ बहू। हाँ जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ वो दिशा के साथ उसकी दोस्त के यहाँ घूमा, आते हुए मार्केट से सब्जी ले आना। कल्पना तैयार होने जाती है, इतने में दिशा फोन पर बात करते हुए बाहर चली जाती है, जिसके कुछ देर बाद में कल्पना भी बाहर आती है और दोनों साथ में दिशा के दोस्त के घर जाते हैं। और तभी रास्ते में एक कार से दो लोग उतर कर दिशा को जबरदस्ती कार में बिठा लेते हैं। कल्पना उसको बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उसको धक्का मारकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। डरी सहमी कल्पना भागते हुए घर आती है और सारी बात वो अपनी सास राधा और पति आनंद को बताती है, जिस पर आनंद बोलता है, तुम रो मत, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करके आता हूँ। हाँ बहू रोना बंद करो। माँ जी मैं दीदी को नहीं बचा पाई, मैं आपकी गुनहगार हूँ, मेरी आँखों के सामने कोई दीदी को उठा के ले गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। आनंद पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बहन के अपहरण की रिपोर्ट लिखवाता है, जिसके बाद पुलिस दिशा को ढूंढने निकलती है लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। दूसरी तरफ कल्पना दिशा की किडनैपिंग की वजह खुद को मानती है और गुजरते वक्त के साथ उसकी मानसिक स्थिति खराब होने लगती है। उसकी इस हालत को देखकर राधा बोलती है, हे भगवान मेरे हंसते खेलते घर को किसकी नजर लग गई, मेरी गाय जैसी बहू का क्या हाल हो गया। हाँ माँ इतना वक्त गुजर गया, ना तो दिशा का कोई पता चला और ना ही कल्पना की हालत में कोई सुधार हुआ। अच्छा माँ मैं ना कल मुंबई निकलूंगा, वहाँ मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, उसे कल्पना की रिपोर्ट दिखानी है, शायद वो उसे ठीक कर पाए। अगले दिन आनंद मुंबई जाने के लिए निकलता है, वहाँ पहुँच कर वो कार में बैठ कर अपने एक डॉक्टर दोस्त से मिलने जाता है। तभी उसके नजर रस्ते में एक लड़की पर पड़ती है जो सड़क के किनारे बैठी फूल बेच रही थी। वो लड़की को देखकर कार रुकवाता है और बोलता है, दिशा ये कैसे हो सकता है, दिशा यहाँ? दो दिन बाद वो वापस अपने घर आता है और आते ही अपनी माँ से बोलता है, माँ देखो मैं ले आया आपकी बहू की दोषी को। आनंद के इतना बोलते ही दरवाजे से दिशा अंदर आती है और रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाती है। उसे देखकर राधा बोलती है, दिशा तू कैसी है, कहाँ थी इतने वक्त, हम लोग तेरे बिना जिंदा लाश बन गए थे, कितना ढूंढा तुझे पर तेरी कोई खबर नहीं मिली। खबर तो तब मिलती माँ जब ये चाहती कि इस तक कोई पहुँचे। माँ मेरा कोई किडनैप नहीं हुआ था, मैं अपने प्रेमी राज के साथ भागी थी। जब आपने उस दिन भाभी को मेरे साथ भेजा
तो मैंने राज के साथ मिलकर अपनी झूठी किडनैपिंग का खेल रचा ताकि मेरी बदनामी भी ना हो और मुझे इस घर से भी आज़ादी मिल जाए। दिशा की ये बात सुनकर राधा गुस्से में आग बबूला होकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कल्पना के कमरे में लेकर जाती है जहाँ कल्पना खिलौने से खेल रही थी। ये देखकर दिशा बोलती है, ये भाभी को क्या हुआ? तेरी मेहरबानी। अरे भागना था तो भाग जाती, लेकिन इस बिचारी को क्यों फंसा कर गई? तेरे झूठे किडनैप को ये सच मानकर खुद को उसका जिम्मेदार मानती रही और सिर्फ तेरे कारण इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। धोखेबाज कहीं की, अपना घर बसाने के चक्कर में मेरी भोली भाली बहू की ये हालत कर दी तूने। माँ मुझे माफ कर दो, शायद इसी धोखे की सजा मुझे मिल रही है क्योंकि जिसके साथ मैं भागी थी उसने मुझे भी धोखा दे दिया। एक धोखेबाज को बदले में धोखा ही मिलता है। जा अब निकल जा मेरे घर से। आज के बाद मैं ये समझ लूंगी कि मेरी खोई हुई बेटी मरी हुई लोटी है। नहीं माँ प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जिंदगी भर भाभी की सेवा करूंगी, उनको ठीक करके रहूंगी। दिशा ने जो धोखा अपनी भाभी के साथ किया उसकी सजा जिंदगी ने उसे तो दी, लेकिन उसी के साथ साथ उसकी भाभी ने भी उस सजा को भुगता। इसी के साथ साथ दिशा के घर वाले भी उससे बहुत नफरत करने लगे, ये भी उसके लिए सजा से कम नहीं था। जिसके बाद वो अपनी भूल को सुधारने के लिए अपनी भाभी की जी जान से देखभाल करने लगी। रोहन के पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था। उसके बाद उसकी माँ ने उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पाल पोस के बड़ा किया था, और आखिर करती भी क्यों ना, क्योंकि भाई उमा का तो रोहन एक लौता बेटा था, जिस वजह से उमा अपने बेटे पर जान निसार करती थी और उसे अपनी आंखों पर बिठा कर रखती थी। एक दिन रोहन आकर खुशी से अपनी माँ से बोलता है, माँ तुम मुझे कितना प्यार करती हो, मेरी सब बात भी मानती हो। क्यों नहीं मानूंगी, तू तो मेरी जान है। अच्छा तो मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जिसे मांगने के बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा। फिर तो जरूर कुछ स्पेशल चीज होगी, चल बता ऐसी क्या चीज है जो मेरे बेटे को चाहिए। रोहन उमा को हिमानी के बारे में बताता है। हिमानी और रोहन साथ में काम करते हैं और उनके इस साथ को 4 साल हो गए थे और धीरे धीरे अब उनकी दोस्ती प्यार में भी बदल चुकी थी और इस बात का उन्हें खुद पता नहीं चला था। और अब वो वक्त आ गया था जब उन दोनों ने शादी का फैसला कर लिया था। उमा रोहन की बात सुनकर बोलती है, अगर मेरे लाडले को वही पसंद है तो अब वही आएगी मेरे घर में, अगर वो नहीं मानी तो मैं अपने लाडले के लिए उसे उठा कर ले आऊंगी। दोनों हंसने लगते हैं और आखिरकार रोहन हिमानी को अपनी माँ से मिलवाने लेकर आता है, जिसके बाद हिमानी को देखते ही उमा शादी के लिए हाँ कर देती है और दोनों की शादी की तैयारी शुरू होने लगती है। तभी एक दिन रोहन को टिंडे खाता देखकर उमा बोलती है, क्या बात है बेटा तू तो टिंडे नहीं खाता, फिर आज कैसे? माँ हिमानी ने बोला है कि टिंडे सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए मैंने खाने चालू कर दिए। रोहन की बात सुनकर उमा सदमे में चली जाती है और उसे ये आभास होने लगता है कि जैसे उसके बेटे को कोई उससे चुरा रहा है। जैसे जैसे शादी के दिन पास आ रहे थे उमा को लगता है कि उसका बेटा उसे दूर जा रहा है। तभी एक दिन उमा रोहन से बोलती है, बेटा मुझे मंदिर जाना है, प्लीज मुझे ले चल। माँ मैं ले तो जाता, लेकिन मुझे हिमानी को शादी का लहंगा दिलवाने जाना है, आप तो जानती है ना वो मेरे बिना कहीं नहीं जाती। ये बात सुनकर उमा का दिल बुरी तरह टूट जाता है और वो कुछ नहीं कहती। तभी कुछ मिनट बाद रोहन फिर से उमा के पास आता है और बोलता है, चलो माँ मंदिर चलते हैं। देखा मेरा बेटा तो मेरा है, मैं भी ना खामखा शक कर रही थी, पर बेटा तुझे तो बाहर जाना था, अब तू अचानक कैसे मान गया? अरे माँ हिमानी ने बोला कि पहले माँ को मंदिर ले जाओ, लहंगा लेने हम शाम को चले जाएंगे, बस इसीलिए। हे भगवान, इसका मतलब ये मुझे मंदिर उस जादूगरनी के हुक्म से लेकर जा रहा था। रहने दे बेटा मैं खुद चली जाऊंगी। इतना कहकर उमा अकेले ही मंदिर निकल जाती है और रोहन शाम को हिमानी को शादी का लहंगा दिलवाने जाता है, जिसके अगले दिन उमा रोहन से बोलती है, अच्छा बेटा एक बात बता, अगर मैं और हिमानी एक नाव में बैठे हैं और नाव डूब रही हो तो तू किसे बचाएगा पहले? माँ ये कैसा सवाल कर रही हो आप? चुपचाप जो पूछा है वो बता। माँ मैं दोनों को बचाऊंगा। और अगर तू किसी एक को ही बचा सका तो? फिर मैं नाव को बचाऊंगा,
क्योंकि आप दोनों बैठे तो नाव में ही हो ना, नाव बची तो दोनों बचे। परवर कुछ नहीं माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लेकर आओ ना। दिन बीतते हैं, जिसके कुछ दिन बाद में बड़ी धूमधाम से हिमानी और रोहन की शादी हो जाती है। उमा ने कभी हिमानी से ढंग से बात तक नहीं की थी, लेकिन उमा के मन में ये विचार आ गया था कि हिमानी रोहन को उससे चुराना चाहती है। दिन बीतते जाते हैं और एक दिन रोहन उमा से बोलता है, माँ मैं हिमानी को शिमला घुमाने लेकर जा रहा हूँ। मुझे तो आज तक पड़ोस तक घुमा के नहीं लाया और ये शिमला लेकर जा रहा है। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, मैं कौन होती हूँ किसी को कुछ बताने वाली। क्या माँ, आप भी कितना मजाक करती हो। रोहन अपने कमरे में चला जाता है और जाकर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उमा को सपने में हिमानी दिखाई देती है, जो रोहन से पैर दबवा रही होती है और बोलती है, तेरा बेटा अब मेरा है, मैं इस पर राज करूंगी, बचा सकती है तो बचा ले। सपने में ये देखकर उमा की आंख खुल जाती है और वो बहुत बीमार पड़ जाती है, साथ ही साथ दर्द में कराहने लगती है। थोड़ी देर बाद में वहाँ हिमानी आती है और उमा को ऐसे हाल में देखकर बोलती है, अरे माँ जी क्या हो गया आपको, आपको तो बुखार है, चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं बेटा रहने दे, तुमको कल शिमला जाना है ना, तो जाओ जाकर सो जाओ। माँ जी कैसी बातें कर रही हैं आप तो मेरी माँ जैसी हैं। आप बीमार हैं और मैं घूमने की सोचूं, कभी भी नहीं। हिमानी उमा को डॉक्टर के पास लेके जाती है और घर आकर पूरी रात उमा की सेवा करती है। इसी के साथ उमा के सरहाने ही सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है उमा को कुछ अच्छा महसूस होता है और वो हिमानी को जगा के बोलती है, बेटा उठ सुबह हो गई, अब मैं ठीक हूँ, तू जाकर सो जा। सारी रात अपनी सास उमा की सेवा करके उमा के जगाने पर हिमानी उठने के बाद अपने रूम में जाकर सो जाती है। और आखिर सोए भी क्यों ना, पूरी रात उमा की सेवा करके वो बहुत ज्यादा थक गई थी। सोने से पहले हिमानी अपने पति रोहन को जगा देती है और रात को उमा के साथ जो कुछ हुआ वो सब बताकर सो जाती है, जिसके कुछ देर बाद में रोहन घबरा कर अपनी माँ के कमरे में जाता है और उसे बोलता है, माँ आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि रात को आपकी इतनी तबीयत खराब थी, ना मुझे जगाया। बेटा तू थक कर आया था और तुझे आज शिमला के लिए निकलना है, इसीलिए मैंने तुझे परेशान नहीं किया। माँ मेरे लिए तुम पहले हो, ना ही मेरा काम, ना शिमला और ना हिमानी। हाँ मेरे लाल। उमा को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है और वो अपने आंसू पोंछ लेती है, जिसके बाद वो रोहन से बोलती है, अच्छा ये बता तू यहाँ क्या कर रहा है, हिमानी को जगा, तुझे निकलना नहीं है क्या। नहीं माँ कोई शिमला नहीं जा रहा, आपकी बहू मुझे जगाकर खुद ये बोलकर सोई है कि जब तक माँ की तबीयत ठीक ना हो हम शिमला नहीं जाएंगे। उमा जैसे ही ये बात सुनती है वो राहत की सांस लेती है, क्योंकि अब वो ये जान गई थी कि हिमानी उसका बेटा नहीं छीनना चाहती और उसका बेटा सिर्फ उसका है। दिन बीतते हैं और अब उमा बिल्कुल सही हो जाती है, जिसके बाद वो हिमानी और रोहन से बोलती है, देखो बच्चों अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तुम दोनों शिमला जाकर घूम आओ। शिमला तो हम जाएंगे लेकिन आपके साथ, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आपको अकेले छोड़कर कैसे चले जाए। मेरे साथ? हाँ माँ, आपको तो मैं आज तक पड़ोस भी नहीं घुमा कर लाया और अब अपनी बीवी को शिमला ले गया तो आपको तो यही लगेगा ना कि आपका बेटा अब उसका है और मैं ये नहीं चाहता। उमा को ये कहने के बाद रोहन मुस्कुराता हुआ धीरे से उमा के करीब जाता है। इसी के साथ उसके करीब जाकर उमा के कान में रोहन धीरे से बोलता है, माँ अगर नाव में आप दोनों डूब रहे होंगे ना तो सबसे पहले आपको ही बचाऊंगा। ये सुनकर उमा हंस पड़ती है और उसके सारे डाउट्स दूर हो जाते हैं और अब वो ये बात समझ गई थी कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।